एक पता नहीं आपने सुनी है या नहीं, एक पुरानी कहानी है। पहले टाइम, बहुत सालों पहले, हिंदुस्तान में एक राजा हुआ करता था। उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो गए थे, पूरी जनता, सारा का सारा ऑपोजिशन उन पर आक्रमण कर रहा था। और वो टेफ्लॉन जैसे थे, उन पर जितना भी आक्रमण करो कुछ होता नहीं था। तो थोड़े साल बाद जो ऑपोजिशन के लोग थे, जो उसको रिजिस्ट कर रहे थे, वो एक बाहर एक ऋषि बैठा रहता था, उसके पास गया। उसने कहा कि बताइए, हमें बात समझ नहीं आ रही है। हम इस राजा पर, मतलब 24 घंटा आक्रमण करते हैं, जनता इसके खिलाफ है, कुछ होता ही नहीं है। जितना हम इस पर आक्रमण करते हैं, ऐसा लगता है कि हम गलत जगह, मतलब तीर मार रहे हैं। तो ऋषि ने कहा, वो काफी मतलब नॉलेजेबल था, तो उसने कहा, देखिए एक्चुअली बात क्या है, ये जो राजा है इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है। इसकी आत्मा वहां पे पीछे एक छोटा सा घर है, वहां पे एक पिंजड़े में एक तोता बैठा है। इसकी जो आत्मा है ना, वो उस तोते के अंदर है। उस तोते को जाके आप पकड़ लीजिए, राजा खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है, और बहुत समय के लिए सारी की सारी ऑपोजिशन राजे पे अटैक कर रही थी, मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है, अदानी जी के हाथ में है। जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई, मैं पहले सोचता था नंबर वन प्राइम मिनिस्टर, नंबर टू अदानी, नंबर थ्री अमित शाह। एक्चुअली ये गलत है, नंबर वन अदानी, नंबर टू प्राइम मिनिस्टर, नंबर थ्री अमित शाह। अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है, और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता है। और इसीलिए सारा का सारा हो रहा है डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स, कि देश की निगाह, ऑपोजिशन की निगाह पिंजरे में बैठा हुआ तोते की ओर ना चले जाए। तो हमें काफी क्लैरिटी है। आप देखिए, पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हु आर ट्राइंग टू रिमोटली कॉम्प्रोमाइज द आईफोन एसोसिएटेड विद योर एप्पल आईडी। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है।
और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। और देश के युवाओं को मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं यहां हो क्या रहा है। आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, आपके दिल के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, और जब आपके दिल में नफरत आती है, गुस्सा आता है, जो आपका भविष्य है, जो इस देश की पूंजी है, जो इस देश का धन है, उसको उठा के ये लोग ले जाते हैं। अदानी जी को हिंदुस्तान के पोर्ट्स पकड़ा दिए, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स पकड़ा दिए, मुंबई एयरपोर्ट चाहिए था, सीबीआई ईडी का प्रयोग किया, मुंबई एयरपोर्ट दे दिया, एग्रीकल्चर में कानून बना दिए अदानी जी के लिए, फूड ग्रेन्स की स्टोरेज उनके हाथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हाथ में, आप सड़कों पे चलते हो, सीमेंट उनके हाथ पे, उनके हाथ में, तो पूरा का पूरा देश ये तीन चार लोगों को पकड़ा रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? हिंदुस्तान के युवा का हो रहा है। आपसे ये कहते हैं कि आप जाइए पढ़ाई कीजिए, आप जाइए आईएएस बनिए, आप जाइए इंजीनियर बनिए, आप में से 1% इंजीनियर बनेगा, 1% डॉक्टर बनेगा, 0.00001% आईएएस बनेगा। तो ये आपको झूठे भविष्य की का वायदा करते हैं, और जो आपका धन है आपके आंखों के सामने आपसे छीन के ले जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की आज सच्चाई है। कम लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं आपको, उठा के ले लो। अब आपके कोई सवाल हो तो पूछिए। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। अच्छा नहीं, हिंदी में थोड़ा एक लाइन और। हिंदुस्तान की जो का जो भविष्य है उसके लिए सबसे जरूरी चीज न्याय है। अगर इस देश में इस देश की जनता को, इस देश के युवाओं को न्याय ना मिले तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और मैंने बहुत बार बोला है और मैं बोलता रहूंगा, और मैं हम ये काम करके दिखा देंगे कि कास्ट सेंसस के बिना इस देश के युवाओं को न्याय नहीं मिल सकता। और ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्शन जो हो रहा है, जब अदानी जी पैसा चोरी करते हैं, किससे चोरी करते हैं? देश की आम युवा से चोरी करते हैं, पिछड़ों से चोरी करते हैं, दलितों से चोरी करते हैं, आदिवासियों से चोरी करते हैं। जब अदानी जी कोयले में ऑस्ट्रेलिया में जब नाव चलती है, यहां आती है, जब वो ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं, तो अदानी जी किसकी जेब से चोरी कर रहे हैं पैसा? जो आप बिजली खरीदते हो उसमें अदानी टैक्स है, ट्रेन में आप जाते हो उसमें अदानी टैक्स है, फ्रेट घूमता है उस पर अदानी टैक्स है। टैक्स किससे, कहां से आ रहा है? पिछड़ों की जेब से, दलितों की जेब से, आदिवासियों की जेब से, गरीब लोगों की जेब से, छोटे व्यापारियों की जेब से, और पूरा का पूरा ट्रांसफर इनके जेब में हो रहा है। इन इंग्लिश ब्रदर, सी देयर इज अ ब्यूटिफुल स्टोरी, ओल्ड इंडियन स्टोरी। देयर वाज अ किंग, वेरी नास्टी किंग, एंड ही वाज अटैकिंग एवरीबॉडी, स्टीलिंग फ्रॉम एवरीबॉडी, एवरीबॉडी वाज डिस्टर्ब्ड।
एंड हिज ऑपोजिशन वुड कीप ट्राइंग टू फाइट हिम, नथिंग वुड हैपन टू द मैन. इट कीप अटैकिंग, कीप अटैकिंग, कीप अटैकिंग. दे वेरी कंफ्यूज, व्हाई इज नथिंग हैपनिंग टू दिस मैन, व्हाट इज गोइंग ऑन. एंड दिस वेंट ऑन फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, एंड देन आफ्टर सम टाइम देयर वाज दिस वाइज मैन हु यूज्ड टू डू ध्यान आउटसाइड. एंड सो दे वेंट टू हिम एंड सेड, दे सेड, व्हाट इज गोइंग ऑन, वी कीप अटैकिंग दिस मैन, एवरी डे वी अटैक दिस मैन, नथिंग हैपन्स टू दिस मैन. And the gentleman said, look, the reason is that this man's soul is actually somewhere else. The frame, the image is of the king. But jo iski atma hai, the soul is somewhere else. So they asked him, where is the soul? And he said, the soul is there in a village in the corner. If you go, there's a little cage, and inside that cage, there is a parrot. And if you go and you kill that parrot, the king will fall, right? And that is exactly what is going on here. Mr. Narendra Modi's soul is Mr. Adani, right? And no matter how much we attack Mr. Narendra Modi, it doesn't have an effect, because the soul is somewhere else. And now we've understood this. We've understood that the soul is there in the parrot, and now we are attacking the soul. And that is why all this is going on. That is why Apple is sending messages. Your phone is being targeted by state-sponsored attackers. Right? I used to think that, you know, there's a ranking. People say, press people say, number one, number two. Number one, Mr. Modi. Number two, Mr. Amit Shah. And actually, the ranking is slightly different. It's number one, Mr. Adani. Number two, Mr. Modi. Number three, Mr. Amit Shah. The country will soon realize that the Prime Minister is employed by Mr. Adani and works for Mr. Adani. Right? The examples of this are clear. Bombay Airport. Airport that is owned by somebody else. State-sponsored agencies attack the owner. He surrenders the airport to Mr. Adani. Mr. Adani is over-invoicing coal from Australia. It leaves Australia, it arrives in India, the price is doubled. No inquiry. Nothing. No ED, no CBI, nothing. Who's paying for it? When we are using electricity, poor people of this country using electricity, we're giving Adani tax. We're going in the railways, we're giving Adani tax. So it's very clear what is going on. Right? The wealth of the Indian people is being stolen from them. They are being divided. They are being made to hate each other. And while they are angry, they are disturbed, they are upset, Mr. Adani is basically taking over everything in this country. He owns most of the channels that are, you know, whose cameras these? Most of these cameras, I don't know which ones, but half of them at least are owned by Mr. Adani. So, hello. Hello, Mr. Adani. I know you don't like this. I know you don't like this type of activity, but I must tell you that you are creating a huge amount of anger against yourself in this country. The common masses of this country are getting to understand what is going on. And it's my duty as a politician, as an opposition politician, to tell the truth about what is happening in India. So, if you have any questions. Yeah, Anand. Sir, after Pegasus, we have seen this again snooping on the phones of several of the Congress leaders and opposition leaders. So, what's your next step? Whether will you go to take legal recourse or something like this? No. The last Pegasus inquiry, where, I mean, my name was also there, that sort of disappeared. Right? So that tells you the situation in the country. Our job as opposition is to make people understand what is going on. And I'm very happy that more and more people are understanding what is going on. It's very clear. And this is clearly a sign of panic. Right? This is clearly, I mean, this is not just one person. This is the whole opposition. So this is obviously... This is not done by somebody
who's not scared, or this is not done by somebody who's honest or who believes in themselves. This is the work of criminals, of thieves. Only thieves and criminals would want to do this. राहुल जी, अभी आपने एक बड़ा खुलासा किया. आपने कहा कि देश में अडानी सरकार चल रही है. आपकी बातचीत का लब्बुल हुआ था. तो लोकतांत्रिक देश में आप एक वोटिंग के जरिए सरकारें बदल सकते हैं, तो मोदी सरकार तो आप बदल सकते हैं, लेकिन अडानी सरकार कैसे बदलेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. आइडियाज़ हैं मेरे पास. नहीं तो कुछ अगर शेयर कर पाए कि ये नहीं, शेयर ऐसे आइडिया शेयर नहीं करते हैं. टाइम आएगा तो दिखाएंगे अडानी सरकार कैसे बदली जाती है. बट आपने बहुत, देखिए आपने बहुत गहरी बात बोली है. अडानी जी, ये मत सोचिए कि अडानी जी सरकार बदलने से हट जाएंगे. नहीं, मगर जिस तरीके का मोनोपोलाइजेशन हिंदुस्तान में हो रहा है, और अडानी जी उसके सिंबल हैं, सबसे बड़े सिंबल हैं एंड बिल्कुल ब्लेटेंट सिंबल हैं, उससे देश को जबरदस्त नुकसान हो रहा है. उससे हमारी डेमोक्रेसी टूट रही है, हमारे लोगों का पैसा चोरी हो रहा है, हमारे इंस्टीट्यूशंस कलैप्स कर रहे हैं. तो बीजेपी की सरकार और बीजेपी का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो डायरेक्टली लिंक्ड है इनके साथ. बट चुनाव जीतने से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा. प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए और दवाई देनी पड़ेगी. मिस्टर गांधी, दिस साइड सर, दिस साइड, दिस सर, राहुल जी, सर. Sir, you've been raising Adani issue and crony capitalism for quite some time now. Do you firmly believe that this issue is also resonating and echoing in general public? And if yes, are you going to make this important poll plank in 2024 as you made Rafael in 2029? You have to understand where I'm coming from. Okay. I am defending what I consider to be the idea of India. Okay. I believe a free press, I believe independent institutions, I believe fair business practices, these are all the idea of India. And I am defending that idea. And I'm defending that idea how? With the truth. Right? I have a habit of telling the truth. I like speaking the truth. It gives me happiness and joy. Right? And that is what I'm doing. This is not just a political fight. This is not just a fight about, as I said, about going and winning an election. This is a much deeper fight. One step is winning an election. And I'm confident that you will see in the next state elections the results, right? But it is a deeper problem. We were enslaved. Please remember, all the young people in this country, please remember, we were enslaved by a monopoly. We became slaves of a monopoly. It was called the East India Company. It was a foreign monopoly. It had partners in India. And we are being enslaved by a monopoly again. So we are fighting actually for the independence of this country. Many people are not realizing this right now. You will come to realize it. But what is going on is a continuation of the freedom struggle, the fight against monopoly capital, which made our country into a slave country. राहुल जी, अब आपको राजा के तोते का भी पता चल गया है और आपके पिछले कुछ सालों से लगातार अडानी के मुद्दे को उठा रहे हैं. आपको लगता है कि ये जो लड़ाई है अडानी, आप लगातार कहते हैं कि आपको अडानी से प्रॉब्लम नहीं है, मोनोपोलिज्म से प्रॉब्लम है, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ आप जिस तरह से आगे लेके जा रहे हैं, आपको लगता है कि मोदी सरकार से लड़ने के साथ साथ एक अपोजिशन के अंदर भी जो एक यूनानिमिटी आपको बनानी होगी कि एंटी अडानी या मोनोपोलिज्म ऑफ अडानी, वो भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो आपको आगे लड़नी है? हाँ, सही बात है. बट
देखिए, जो जिस लेवल का मोनोपोलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, उससे सारे लोगों पर असर पड़ रहा है। आप झिझक झिझक के क्वेश्चन पूछ रहे हो, जनरली आप नहीं, बट जनरली जो आप थोड़ा घबरा के क्वेश्चंस पूछते हो, उसी मोनोपोली का असर है। ठीक है, कोई गैस सिलेंडर 1000 रुपए का दे रहा है, उसका लिंकेज है कोयले से, उसका भी कारण मोनोपोली अदानी। एयरपोर्ट में अदानी, माल अंदर आता है हिंदुस्तान में अदानी। तो मोनोपोली का इफेक्ट सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को नहीं हो रहा है, हिंदुस्तान दो दो भागों में बट रहा है, एक प्रो मोनोपोली, एक एंटी मोनोपोली। जो अदानी जी के खिलाफ बिजनेस वाले लोग हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं, दे आर एंटी मोनोपोली। तो देश दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, प्रो मोनोपोली, प्रो अदानी कंट्रोल, एंड एंटी मोनोपोली, प्रो पीपल कंट्रोल। ठीक है, उसमें जनरली जो ऑपोजिशन की पोजीशन है, ब्रॉड जो पोजीशन है, वो एंटी मोनोपोली कंट्रोल है। राहुल जी नमस्कार। हाँ, वो तो नहीं, वो तो है, दूसरों की आवाज है, इट इज नॉट दैट दूसरों की आवाज नहीं है। आप लोग थोड़ा ज्यादा मेरे ऊपर फोकस कर जाते हो। राहुल जी नमस्कार। राहुल जी नमस्कार। नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, ये एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, हिंदुस्तान का एक आइडिया है, मैं अकेला नहीं हूं, करोड़ों लोग खड़े मेरे साथ। वो अलग बात है कि उनके हाथों में लाखों करोड़ रुपए नहीं है, मगर वो सब खड़े हुए, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है देश में क्या हो रहा है। अदानी जी एज नंबर वन, सबको दिख रहा है। राहुल जी नमस्कार। राहुल जी, मेरा सवाल है, आपने निष्पक्ष, राहुल जी इधर सामने, आपके ठीक सामने, राहुल जी नमस्कार। अब मेरा सवाल है, जिस तरीके से निष्पक्ष न्याय का आपने जिक्र किया है और उसमें भागीदारी रिजर्वेशन को लेकर ओबीसी का आपने जिक्र किया है, कल एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, क्या आपका ये जो बयान है इससे जुड़ा हुआ है, या कैसे न्याय कैसे निष्पक्ष सुनिश्चित हो, भागीदारी क्या न्यायपालिका में भी, क्या आप उसका जिक्र कर रहे हैं, आरक्षण का ये इशू स्पष्ट कीजिए, क्योंकि मराठा आरक्षण को लेकर भी लड़ाई। एक सिंबल है, अदानी जी एक सिंबल है, जैसे मैंने, जैसे आपने कहा, मेरा पर्सनली अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं है, ठीक है, मैं स्ट्रक्चर को देख रहा हूं और मुझे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम दिख रही है। अगर अदानी जी का कोई और नाम होता तो मैं उसके बारे में बोलता। तो अदानी जी हैज बिकम अ सिंबल ऑफ मोनोपोलाइजेशन ऑफ इंडिया, एंड मोनोपोलाइजेशन अब सब जगह पहुंच गया है। देखिए, पहले मोनोपोलाइजेशन बिजनेस में था, अब मोनोपोलाइजेशन रेलवेज में आ गया, ट्रांसपोर्ट में आ गया, पोर्ट्स में आ गया, एयरपोर्ट्स में आ गया, यहां आ गया, ईडी सीबीआई में घुस गया। अदानी इज कंट्रोलिंग ईडी एंड सीबीआई, ब्रदर्स, राइट? बॉम्बे एयरपोर्ट, ही गॉट बॉम्बे एयरपोर्ट बाय कंट्रोलिंग सीबीआई एंड ईडी, सो ही इज कंट्रोलिंग द कंट्री। So that is my problem, number one. अब main बात क्या है कि number one अदानी monopoly, number two monopoly, जो देश के पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनका सरकार को चलाने में उनका रोल ही नहीं है। मैंने उस दिन आपसे पूछ दिया, शायद पूछना नहीं था, बट इसमें, इस कमरे में कितने पिछड़े लोग बैठे हैं? नहीं, अब आप बैठ गए, आए हो, पता नहीं स्पेशल इनवाइट, बट
एक, ठीक है, आप एक हो ना, ठीक है, आपकी आबादी कितनी है हिंदुस्तान में, कितनी होगी? ओके, अब आप देखिए, आप हैं रिपोर्टर्स, अब आप मुझे बताइए, इंडिया के जो टॉप मीडिया कंपनीज हैं जो आपको कंट्रोल करती हैं, उनमें से ओबीसी सीईओज कितने हैं, दलित सीईओज कितने हैं, आदिवासी सीईओज कितने हैं, ओनर्स कितने हैं? जीरो, जीरो. अब दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द कंट्री, दिस इज अनदर टाइप ऑफ मोनोपोली. सो दीज टू मोनोपोलीज आर कनेक्टेड, अदानी इज मोनोपोली एंड कास्ट सेंसस आर डायरेक्टली कनेक्टेड, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज शो द कनेक्शन टू द पीपल ऑफ इंडिया कि ये कनेक्टेड है, कि यहां पे 90 लोग हिंदुस्तान को चलाते हैं, उसमें 3 पिछड़े हैं, पिछड़ों की आबादी 50%, बजट का कंट्रोल 5%, आदिवासियों की आबादी 12%, कंट्रोल 0.01%, मतलब 100 रुपए में से 10 पैसे, दलितों का कंट्रोल 1%, 100 रुपए में से 1 रुपया. तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. अगर हम मतलब सुपर पावर की बात कर रहे हैं, देश की प्रगति की बात कर रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल ही नहीं है. इसीलिए मैं कास्ट सेंसस का सवाल उठा रहा हूं. एंड कास्ट सेंसस इज व्हाट? इट्स एक्सरे. हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि एक्शन क्या लेना है, हम ये कह रहे हैं भैया पहले एक्सरे लो, पता लगाओ इस देश में अदानी कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं. एक बार डेटा आ जाएगा, उसके बाद हम जो हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के नेक्स्ट स्टेप है, रेवोल्यूशनरी स्टेप है, उसको हम शुरू कर सकेंगे. तो ये मेरा मेन पॉइंट है. अभी अरुण, 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 हेलो. ये सब सिम्टम्स है ना, ये सारे के सारे मोनोपोली के सिम्टम्स हैं. और कुछ मतलब पूरा का पूरा एक आदमी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है. आप हिंदुस्तान के युवाओं को क्या ऑप्शन देते हो? ऑप्शन देते हो आईएएस कितने बनेंगे, 300 बनेंगे, 400 बनेंगे हर साल? फिर ऑप्शन देते हो इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर कितने बनेंगे? 1% बन जाएंगे. तो 99% लोगों का क्या होगा? अब उन 99% लोगों को रोजगार कौन देते हैं? छोटे बिजनेस वाले देते हैं. अब कोई पिछड़ा लड़का, कोई दलित लड़का कहता है भैया मैं छोटा सा बिजनेस चालू करना चाहता हूं, 15 सेकंड नहीं चलेगा उसका बिजनेस. क्यों? क्योंकि अदानी खड़ा है, उसको बैंक लोन नहीं मिलेगा. तो ये जो सारे के सारे अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर इस मोनोपोली के कारण हो रहा है. आप बताइए अदानी जी ने हिंदुस्तान के कितने बिजनेसेस खत्म किए हैं? लाखों बिजनेसेस उड़ा दिए हैं. और बिजनेस उड़ाने का क्या मतलब? कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा. तो बड़ा सिंपल कॉम्बिनेशन है, अदानी जी को पैसा दो, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मत दो, जो उनमें गुस्सा आएगा उसको गुस्से को और आग दो और अदानी जी को पैसा दो. ये स्ट्रक्चर है. आज की पॉलिटिक्स जिस एरा में आप हैं, ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी, और आप पेगासस से लेके आज तक जिस तरह से आप लगातार आरोप लगा रहे हैं और जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि विचारों का स्वतंत्र प्रवाह नहीं होता है? जब आपको उठाते हैं तो आप हिचकते हैं, उस पर बात करने से सकते हैं, और इसकी वजह से जो तैयारियां चुनाव की है या पार्टी की रणनीति वो इफेक्ट होती है, प्रभावित होती है? देखिए, एक लेवल पे होता है, एक लेवल पे हमें मीडिया की ज़रूरत है, हमें सेलफोन की ज़रूरत है,
मेरा मतलब YouTube चैनल है मेरा, उसको बंद कर रखा है, मतलब सप्रेस कर रखा है, मेरे ट्विटर को सप्रेस कर रखा है, फेसबुक को सप्रेस कर रखा है, हम सब जानते हैं, आपको आंकड़े चाहिए हम दे देंगे। एक लेवल पे ये है, बट दूसरी लेवल पे क्या होता है, जब ये सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर हमें इनोवेट करने की जरूरत होती है और फिर सचमुच की राजनीति शुरू होती है। मतलब ये लोग सोचते हैं कि भैया हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करके हिंदुस्तान के युवाओं के अंदर जो दर्द है उसको कंट्रोल कर लेंगे, वो नहीं आएगा हाथ। हम अडेप्ट कर रहे हैं, भारत जोड़ो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, उसमें कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। आप पूरी टेक्नोलॉजी बंद कर दो, बंद की इन्होंने पूरा, मतलब दम लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअली जिस लेवल पे हम पहुंच गए हैं, मुझे लग रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे लग रहा है कि पुराने औजार ज्यादा बेनिफिशियल हैं, ज्यादा इफेक्टिव हैं, और हम इनको पुराने औजारों से ही मारेंगे। अब देख लेना एंड में, ये पुराना औजार, सबसे पुराना औजार कौन सा है, सच्चाई है, उसी से हम इनको पकड़ के। आखिरी सवाल संजीव, कोई भाग नहीं सकता। लास्ट टाइम यू नो दिस इशू, यू नो द इशू ऑफ स्नूपिंग केम अप वाज लास्ट ईयर, यू नो व्हेन द पेगासस इशू हैड कम अप एंड द एंटायर मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट हैड बीन वॉश्ड अवे। नाउ दिस टाइम अगेन दिस इशू हैज कम अप, सो हाउ आर यू गोइंग टू स्ट्रेंथन द वॉइस अगेंस्ट दिस इशू एंड वेदर इट इज गोइंग टू डाई डाउन अगेन एंड what you plan to do going forward, you know, whether you're going to move the court or go to the people or how? No, this, we are, as I've been saying, we have moved. Our political system has moved, right? It started in 2014. I would in fact say it started, in 2014. I would say that the concept started in Gujarat in 2002, and then the concept evolved and the concept spread, the idea spread from Gujarat, which was pure monopoly, to the rest of India. We have now entered a different politics where the old tools and structures don't work. Look, this, if you had given me this in Manmohan Singh ji's government time or Vajpayee ji's government time, this was a explosive, this was like dynamite, it would blow any government to bits. If you had given, in Vajpayee's government, if you had given me Rafael, I'd have blown the government, you wouldn't have found the government, right? If you had even given me the fact that CBI raids the Bombay airport owners and the thing goes to Mr. Adani, that would have toppled the government, right? So the old tools just don't work anymore, which means that the structure is broken, which means new tools have to come and then new structure has to be built, which for me is a very interesting and exciting time, because we can construct things that we could never have imagined 5 years ago, 7 years ago, 10 years ago. The मतलब यहां रास्ता बंद हो गया बट बहुत बड़ा मैदान खुल गया है। और अगर हम हिंदुस्तान की प्रगति के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो डोंट थिंक दैट आई एम फीलिंग लो, मेनी पीपल फील वेरी अपसेट बीजेपी, नो, आई एम वेरी वेरी हैप्पी ऑप्टिमिस्टिक दैट आवर ब्यूटिफुल कंट्री इज continuing its tradition, continuing its journey, and is going to open an entirely new chapter. My Tamil brother said that we have not allowed him to ask a question. So, dear Tamil brother, please ask. Thank you, Rahul ji. Vanakkam. Vanakkam. Are you? Please ask a question on the topic of today's press conference. Sir, he is exposing the. No, you can, brother. You ask any question you want. Rahul. You are Tamil. I love Tamil people. You have free choice. Ask anything. Thank you want. So much for consideration, Rahul ji. You've been exposing Adani very regularly, frequently.
Do you have the same message for your alliance partner, DMK? The ministers in power in DMK, Ponmudi, Sandil Balaji, and other member of parliament, leading member of Trina, all are into ED and the CBI. Thousands of crores, the corruption is going left and right. What message you want to give it to your alliance partner, Stalin, to stop the corruption in Tamil Nadu? See, look, I'm very clear, right? First of all, I'm not entirely convinced about what you're saying with regards to the massive corruption taking place in Tamil Nadu. I'm not convinced about that. Second, what I'm focusing on right now is the blatant attack on the soul of our country, on the heart of our country, which is, where's that paper? Which is this saying, state-sponsored attacker alert, right? I'm focusing on this. Now, Mr. Stalin is not involved in this under any circumstances. I know that for sure, 100%, right? So, the real threat to this nation right now is coming from this. And by the way, it is a huge threat coming to the people of Tamil Nadu as well, which most people in Tamil Nadu understand, right? So I'm interested in defending the soul of India. And that's what I'm focusing on. Also, ED, CBI, all these forces have been unleashed in Tamil Nadu, which you're aware of, right? So it is not that that attack is not taking place. So it is qualitatively different. I think the most important thing right now, my full focus, is on ensuring that the idea of India is defended.